हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है आप इस तरह की सिंपल लुक ओवल ब्रशेस की हेल्प से किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ फाइव ब्रशेस यूज़ करके ये आज की जो लुक है वो क्रिएट की है। सो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये हैं वो फाइव ब्रशेस। इस तरह के दिखते हैं वो फाइव ब्रशेस। ये सारे मैंने यूज़ किए हैं अपनी ये लुक क्रिएट करने के लिए, और ये मैंने परचेज़ किया था टीके मैक्स से $13 में। बहुत अच्छा अमाउंट में मुझे ब्रश सेट मिल गया था। एक्चुअल प्राइस इसका ज़्यादा था, लेकिन मुझे अच्छे अमाउंट पे मिल गया था, वहाँ पे अच्छी डील थी। और ये ब्रशेस बहुत अच्छे हैं, जब आप पूरी वीडियो देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि इनकी डेंसिटी क्या है, ये कैसे यूज़ कर सकते हैं और एक ब्रश को आप कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो देखने के लिए वीडियो ज़रूर देखें। सो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रश की मैं आपके साथ लुक शेयर करती हूँ। इस तरह का ब्रश है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिवोल्यूशन का सीरम ले रही हूँ। आप देख सकते हैं इसने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, और बहुत ही सॉफ्ट और नाइस लगा मुझे इसका टेक्सचर। अब इसी के साथ ही मैं फाउंडेशन भी अप्लाई कर लूंगी। नॉनस्टिक यूज कर रही हूं, ज्यादा कवरेज नहीं चाहिए हमको। आप देख सकते हैं कि इसने बहुत ही अच्छे से मेरा मेकअप जो है वो ब्लेंड किया है। मेरा कंसीलर, मेरा फाउंडेशन, सब कुछ बहुत अच्छे से ब्लेंड कर दिया इसने। और ये ब्रश भी बहुत ही अच्छा है, इससे आप इवन कॉन्टोरिंग भी कर सकते हैं, कंटोर भी कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको कॉम्पैक्ट लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हो। उससे मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट ले रही हूँ, और आईज का एरिया जो आपका होता है उससे आप कॉम्पैक्ट से सेट भी इसको कर सकते हैं। इस तरह के जो ब्रशेस हैं उससे आप अपनी नोज कॉन्टोर कर सकते हैं, आपकी चीक कॉन्टोर कर सकते हैं, इवन कि आप अपनी आईब्रोज भी इससे बना सकते हैं इस तरह से। लेकिन मैं इसको यूज करूंगी कॉन्टोर करने के लिए। उस सेम ब्रश से आपको कॉन्टोर को भी ब्लेंड करके दिखाऊंगी।
अगर आप नॉर्मल ब्रश से अपनी नोज को कॉन्टर करेंगे, चीक्स को करेंगे, तो उनका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आता, क्योंकि उनकी डेंसिटी जो होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती. बट इन ब्रशेस की डेंसिटी बहुत अच्छी है अगर आप क्रीम प्रोडक्ट को ब्लेंड करते हैं तो. देख सकते हैं बहुत अच्छे से ब्लेंड भी करता है और आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ एक्स्ट्रा लगाया हुआ है. वैसे आईब्रो आप हमेशा एंगुलर ब्रश से ही बनाएं, क्योंकि मैं जस्ट दिखा रही हूँ कि अगर आपके पास ओवल ब्रशेस का सेट है तो ऐसा नहीं है कि आप इसके साथ आईब्रोज नहीं बना सकते. यू कैन इजीली, आप इजीली कर सकते हैं, बट आईब्रोज के लिए मोस्टली जो है वो एंगुलर ब्रश ही सही रहता है. इसी के साथ मैं अपना ब्लश लगाऊंगी. So this is the final look. I know it's just a very basic look, I can say. So वैसे तो बहुत basic सी look मैंने आज create की है, but I just wanted to show you कि over brushes की help से आप किस तरह से अपनी look को create कर सकते हैं, because इनकी density बहुत अच्छी थी और according to the price I must say मुझे बहुत अच्छा set मिल गया था. एंड ऑनेस्टली मुझे ये ब्रश सबसे अच्छा लगा, बिकॉज इसकी जो है विड्थ बहुत अच्छी है और ये कॉन्टोर वाला ब्रश बहुत अच्छा है. नॉर्मली आपके जो काबुकी ब्रशेज होते हैं आपकी प्रॉपर चीक बोन को कट नहीं देते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा कट इस ब्रश ने मुझे दिया है. ब्लेंडिंग ब्रश आई कैन से ओके, बट दिस ब्रश यू कैन यूज़ फॉर योर नोज कॉन्टोर एंड या फॉर कंसीलर ब्रशेज. दीज टू ब्रशेज आर सो गुड. एंड ये आपके आई शेडोज के लिए वर्क नहीं करेंगे ऑनेस्टली. बेसिकली ये वर्क करेंगे आपके फेस के लिए, आपके फेस को कवर करेंगे. अगर आपने क्रीम कॉन्टोर को ब्लेंड करना है सो ये ब्रशेज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बिकॉज नॉर्मल ब्रशेज जब आप करते हो तो उनकी डेंसिटी अच्छी ना होने से आपको बहुत ज़्यादा टाइम उन पर स्पेंड करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग भी करनी पड़ती है. बिकॉज दीज ब्रशेज आर सो गुड, ईजी टू हैंडल, सो इसलिए आप अपनी लुक को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज ओवल ब्रशेज. सो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि ये वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरा टाइम नहीं लगा बिकॉज ऑफ एग्जाम्स एंड अदर थिंग्स. बट अभी मैं ये वीडियो कर रही हूँ. सो होप आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हो. अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर विद योर फ्रेंड्स. सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो. होप यू गाइज लाइक्ड इट.